रामायण में काम कर चुकी एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया घर घर में सीता के नाम से मशहूर हैं। लोग उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि सीता कहकर पुकारते हैं। दीपिका ने रामायण में सीता बनने से पहले कई फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन तब उन्हें ये नहीं पता था कि आगे जाकर इन्हीं फिल्मों के कारण उनका विरोध किया जाएगा। साल 1983 में दीपिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सुन मेरी लैला नाम की फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने रुपया 10 करोड़ और घर का चिराग जैसी फिल्मों में काम किया था। उस समय दीपिका ने बेहद बोल्ड सीन देने शुरू कर दिए थे। फिल्म चीख और रात का अंधेरा में उनका एक नया ही अवतार देखने को मिला, जिससे दर्शकों ने उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस बुलाना भी शुरू कर दिया था। फिल्मों में इतने बोल्ड सीन देने के बाद जब साल 1987 में दीपिका को सीता के किरदार में देखा गया तो दर्शक बौखला गए थे। लोगों ने सीता के रूप में दीपिका का विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने पर्दे पर अपनी मासूमियत, पवित्रता, समर्पण और निस्वार्थ का परिचय जिस तरह से दिया वो मिसाल बन गया। हालांकि दीपिका ने भी दर्शकों की भावनाओं का तहे दिल से सम्मान किया और सीता का किरदार निभाने के बाद कोई भी वैसा किरदार नहीं किया जिससे लोगों के दिलों को ठेस पहुँचे।